एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11 चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट की पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो इतने भी मैं पॉइंट्स लेके आई हूँ ये एलएन की एनसीआर है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने में। आपके अभी आपके पेपर में सिर्फ कुछ दिन ही रह गए हैं तो आपको क्विक रीजन के लिए इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स स्टार्ट ऑन दिस चैप्टर्स। डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। रेडिकल से हमें क्या बनता है? प्राइमरी रूट्स बनते हैं। प्राइमरी रूट्स में जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स कहते हैं। प्राइमरी रूट और इसके ब्रांचेस को क्या कहते हैं? जब प्राइमरी रूट हो, मेन रूट हो, प्राइमरी रूट मतलब जो मेन रूट है और उसमें जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स हैं आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं? टैप रूट्स कहते हैं। व्हेन द प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाई लार्ज नंबर ऑफ थिन रूट। जब प्राइमरी रूट या मेन रूट शॉर्ट लिव्ड हो जाए, शॉर्ट लाइफ का हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फिर से रूट कहाँ से निकलती है? बेस ऑफ द स्टेम से। देखो हमारा नेक्स्ट यही है, फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम्स। नेक्स्ट, रूट ऑफ विच अरा रूट विच अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर। जब रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो उसे क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स ऑफ द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे ये रूट्स हुआ उस पर थिम्बल लाइक रूट कैप आ गया, ठीक है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या कहते हैं? रूट कैप। ये प्रोटेक्शन में आता है जब पेनिट्रेट करता है रूट सॉइल को। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी सिचुएटेड फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। रूट कैप के अबव हमें क्या मिलता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलता है जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है। स्ट्रू मैच द फॉलोइंग। टैप रूट, टैप रूट किस में पाया जाता है? डाइकॉट मस्टर्ड में। फाइब्रस रूट मोनोकॉट वीट। एडवेंसिसस रूट मॉन्स्टेरा बनियान एंड ग्रास। फाइब्रस रूट का क्या एग्जाम्पल्स है? वीट मेज सुगर केन। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ द रूट हैव वेरी स्मॉल सेल थिन वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक जोन्स को कहते हैं। उसके ऊपर जो रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। मेरिस्मेटिक टिश्यू के ऊपर क्या होता है? रूट ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लेंथ की ग्रोथ में। रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्रेजेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रॉक्सिमल नज़दीक होते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। देखो सबसे पहले रूट कैप होता है, फिर इसके बाद मेरिस्मेटिक होता है, फिर इसके बाद इलोंगेशन होता है, फिर मैच्योरेशन होता है और फिर उसके एडजेसेंट में क्या रहता है? रूट हेयर्स होते हैं। फॉर इमेज द कॉलम। स्टोरेज के लिए क्या होता है? टर्निप। प्रॉप क्या करता है? देखो स्वीट पोटैटो भी इसमें आएगा और भी टर्निप हुआ, कैरेट्स हुए। और प्रॉप में, प्रॉप रूट में जो बनियान ट्री हो गया, स्टिल्ट रूट मेज एंड सुगर केन, रेस्पिरेशन राइजोम। स्टिल्ट रूट अराइजेस फ्रॉम, स्टिल्ट रूट कहाँ से अराइज करते हैं? नोड्स ऑफ द स्टेम्स। जबकि फाइब्रस रूट कहाँ से अराइज होते हैं? बेस ऑफ द स्टेम,
स्टेम, थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों में बात अलग है। ये नोड्स हैं, स्टेम है, स्टेम के जो नीचे नोड्स हैं वहाँ पे पाया जाता है। हैंगिंग स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बनियान ट्री प्रॉप रूट। इन राइजोफोरा न्यूमेटोफोर हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए। शूट डेवलप फ्रॉम, शूट कहाँ से डेवलप होता है? प्लीमूल से। और रूट कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से। पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर नोड्स एंड इंटर नोड इज नोन एज स्टेम है उस वहाँ पे नोड पाए जाते हैं, इंटर नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रांचेस पाई जाती हैं, उसको कहते हैं स्टेम्स कहते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन होता है जब वो यंग होता है और बाद में वो डार्क एंड वुडी हो जाता है, ठीक है, जो फिर ब्राउन रंग का दिखने लगता है। मैस दिख ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में क्या क्या आएंगे देखो, एग्जाम्पल है जमीकंद, कोलोकेशिया, टर्मरिक, जिंजर, टोमे सॉरी पोटैटो, इतने सारे एग्जाम्पल हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन के, जो क्या होते हैं, स्टोरेज रहते हैं, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स के लिए क्या है, कुकुम्बर, ठीक है, जो कहाँ से, एक्जली बर्ड से निकलता है, कुकुम्बर हुआ इसका एग्जाम्पल, पम्पकिन्स हुए, वाटरमेलन्स हुए, या उसको ग्रेपवाइंस भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेपवाइंस। स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न से कौन कौन क्या निकला है, साइट्रस एंड बोगनविल है प्रोटेक्शंस के लिए। फिलोक्लेड के एग्जाम्पल है अपुंशिया एंड यूफोर्बिया, ठीक है, फिलोक्लेड किसी जब स्टेम थीक एंड फ्लेसी हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फिलोक्लेड्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं अपुंशिया जब फ्लैट एंड होगा और जब सिलिंड्रिकल होगा तो यूफोर्बिया। नेक्स्ट है स्टेम मॉडिफाइड इन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट एंड, ये तो हो चुका है ना, हाँ मैंने बता दिया, फ्लैट एंड होगा तो अपुंशिया और सिलिंड्रिकल होगा तो यूफोर्बिया। इसको क्या बोलते हैं, फिलोक्लेट्स बोलते हैं, ध्यान में रखना ये बात। इन विच प्लांट ईच नोड आर बियर रोसेट्स ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। पिस्टिया एंड एकोर्निया, ठीक है, पिस्टिया और एकोर्निया में रोसेट्स ऑफ लीव्स होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे बन नहीं रहा है मुझसे, लेकिन आपको एनसीईआरटी में लिखा है रोसेट्स ऑफ लीव के एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया एंड एकोर्निया। विच टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑकर्स इन जैस्मिन, देखो जो उछल कूद, कैसे उछल कूद कर रहा है जिसमें, तो उसको कहते हैं स्टोलन कहते हैं ये जैस्मिन। और किस में पाया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल और बताओ, और मिंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन बनाना ग्रोई लेटरल ब्रांच कम आउट, बनाना में लेटरल ब्रांच से निकलेगा फिर ऊपर ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद यूनाइटेड लीफी शूट्स, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऊपर जाके फिर ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे बनेगा, तो उसे क्या कहते हैं, बनाना हुआ, पाइनएप्पल, क्राइसेंथिमम, ठीक है, सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको शक्कर कहते हैं, ठीक है, शक्कर। ये सब के अभी डायग्राम है मेरी रिकग्नाइज करने, डी पोटी पेट्यूल स्टिप्यूल्स है, ये लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ बेस है, ये पेट्यूल है जो होल्ड करता है लीफ को, लीफ लेमिना को एयर में, ये लेमिना है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम, लीफ कहाँ से ओरिजिनेट करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जबकि डेवलप कहाँ से करता है, नोड से, और क्या बियर करता है, बर्ड, ठीक है, एक्जली बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रांचेस में, ब्रांच या फ्लावर में,
डेवलप इन टू ब्रांच ऑफ फ्लावर. लीफ आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटर मैनर ऑन दिस स्टेम. ठीक है. लीफ में बी ए टू लेटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स. मैंने बताया ऊपर ही स्टिप्यूल्स किसे कहते हैं. सीथ सीथिंग लीफ बेस फाउंड इन मोनोकॉट. ट्रू या फॉल्स. राइट है, क्योंकि जो लीफ बेस है ना वो सीथ बना लेता है उसके स्टेम में, तो वो सही है. ये सिर्फ मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं. डाइकॉट्स में वो स्वलन हो जाते हैं लीफ बेस, जिसको क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं. डाइकॉट नहीं, लेगनस प्लांट में, सॉरी. ठीक है. आ 33 का वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वेन, जिससे वाटर मिलने का ट्रांसपोर्ट हो. द अरेंजमेंट ऑफ वेन एमवेलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज. जब लीफ में वेन एमवेलेट जैसे लीफ हुआ, ठीक है, इसमें ये जो वेन्स है, इट्स वेन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और उससे लेटरल अटैच छोटे छोटे जो वेनलेट है उसे कहते हैं वेनेशन कहते हैं. अगर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं. और अगर मिड रिब के अगर पैरेलल है वेन तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन. ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं. इन लीफ वेन लेमिना इज इंटायर और इंसाइज्ड इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब देन दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज. देखो जैसे लीफ मैंने बनाया ना, अगर ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल लीफ्स कहते हैं. इंसीजन अगर पहुंच जाए मिड रिब तक उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ, जिसमें उसमें लीफलेट्स बन जाते हैं. ठीक है, ये सिंपल लीफ्स है. कंपाउंड लीफ देखो ऐसे होंगे. ठीक है. व्हेन इंसीजन आर उसे कंपाउंड लीफ. बर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सिस ऑफ पेटियोल्स. वो जो एक्जिलरी बर्ड होता है पेटियोल के एक्जिल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंपाउंड लीफ होता है ना जो उनके एक्जिल्स में कोई कोई नहीं प्रेजेंट होते बर्ड. रैकिस किसे कहते हैं, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया ये तो इसे क्या कहते हैं, रैकिस. ठीक है. इन नीम प्लांट विच टाइप ऑफ लीफ इज प्रेजेंट. देखो नीम क्या होता है, नीम हुआ, गुलमोहर हुआ, सिल्क कॉटन्स हुए, सब क्या है, कंपाउंड लीव्स हैं. लेकिन ये कैसे लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स हैं. तो नीम एंड गुलमोहर पिनेट लीव्स होंगे, जबकि पामेट लीफ मतलब समझे जो पाम की तरह दिखाई दे, एकदम पूरी तरह उनका सीजी इनसीजन हो, डिवाइडेड हो. इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन. अल्टरनेट मैच द फॉलोइंग्स. अल्टरनेट कौन दिखाता है, मस्टर्ड एंड चाइना रोज. एक नोट पे सिर्फ एक लीफ्स होंगे. अपोजिट लीफ्स, एक लीफ पे अगर एक नोट पे दो लीफ्स हो लेकिन अपोजिट साइड्स में हो, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे, उसके एग्जाम्पल्स है ग्वावा एंड कैलोट्रॉपिस. वर्ल्ड है जब एक ही नोट पे बहुत सारे लीफ अरेंज हो, उसे क्या कहेंगे, वॉल. इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया. मैच द फॉलोइंग. टेंड्रिल्स, लीफ टेंड्रिल्स किसे कहते हैं, लीफ टेंड्रिल्स पी को कहते हैं. ठीक है. जबकि स्टेम में जो टेंड्रिल्स थे उसको हम क्या कह रहे थे, उसके एग्जांपल थे कुकम्बर एंड ग्रेपवाइंस. ठीक है. इंसेक्ट लीफ स्पाइन कैक्टस, जो क्या करता है, वाटर लॉस को कम करता है, प्रोटेक्शन भी करता है. इंसेक्टिवरस प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ, निपेंथेस हुआ. नेम द प्लांट इन विच लीफ आर शॉर्ट लीव्ड एंड पेटियोल मॉडिफाइड इन लीफ स्ट्रक्चर्स. लीफ शॉर्ट है, पेटियोल किसमें मॉडिफाइड इन लीफ स्ट्रक्चर. इसको ऑस्ट्रेलियन एकेसिया कहते हैं, इसको फिल्लोड भी कहते हैं. ठीक है. इसको क्या कहते हैं, फिलोड्स.
फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट्स, ये तो सब जानते ही हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ये देखो ये फ्लोरल एक्सिस हुआ, उस पे अरेंजमेंट ऑफ इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये जो हुआ अभी सारा ही, देखो रेसिमोस कहते हैं, ध्यान दो फटाफट, रेसिमोस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और साइमोज में मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका देखो जैसे ये है, ये रेसिमोस के एग्जाम्पल हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन है, ठीक है। जबकि साइमोस का क्या होगा, मेन एक्सिस है, उसे 28 ब्रांचेस जो होंगे यहाँ पे फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये क्या हो गया, बेसिपिटल्स हो गए, ठीक है। मेन इसमें मेन फ्लावर, मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है, जबकि उसमें वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है, इन रेसिमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस फ्लावर आर अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर, साइमोज में बेसिपिटल मैनर। क्योंकि एक्रोपिटल मैनर्स इसलिए से कह रहे हैं क्योंकि जो फूल फ्लावर्स हैं वो टिप पे न्यू आ रहे हैं, ठीक है, इसे एक्रोपिटल कहते हैं, और जो साइमोज है उसको बेसिपिटल मैनर कहते हैं, क्योंकि फूल जो होते हैं लेटरल होते हैं, टिप पे नहीं होते। इन टिपिकल फ्लावर कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर अटैच्ड ऑन, किस पे अटैच्ड होते हैं सब, थैलेमस पे। थैलेमस किसे कहते हैं, एक बेस पेडिसेल होता है ना, पेडिसेल का जो बेस बेसल पार्ट होता है, सोलेन बेसल पार्ट, उसे थैलेमस कहते हैं, जहाँ पे सारे एक्सेसरी वर्ल्ड्स एंड रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स और कोरोला आर एक्सेसरी कहते हैं, जबकि गाइनोशियम एंड्रोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं किसी भी फ्लावर्स का। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट देन नोन एज, जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड कर जाएं एक दूसरे को तो उसे क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। इफ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इट इज अ फ्लावर ऑफ बाइसेक्सुअल, जब मेल मेल गेम भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट हो किसी भी फ्लावर में तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, अगर सिर्फ एक इसमें प्रेजेंट हो तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। इफ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और ओनली कार्पेल्स, इट इज, इसको यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं, अगर दोनों में से कोई एक ही किस उस फ्लावर पर रहा तो उसे यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर के एग्जांपल्स क्या हैं। एक्टिनोमार्फिक किसे कहते हैं, जो किसी भी प्लेन में उसको अगर डिवाइड करे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक, जिसके एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली, ए एंड ए। जाइगोमार्फिक, जब किसी एक प्लेन से काटेंगे और प्लेन के सेंटर से काटेंगे और वो दो इक्वल भाग में बट जाए तब उसे क्या कहेंगे, जाइगोमार्फिक, जिसका एग्जाम्पल्स हैं पी गुलमोहर, बीन केशिया, ठीक है, पी बीन केशिया। असिमेट्रिक में सिर्फ करना आता है, किसी भी प्लेन से उसे काटो वो दो इक्वल भाग में नहीं डिवाइड होगा। ए है हमारा इस कौन से, देखो ये कैसे बेसिपिटल मैनर में ये ग्रो कर रहा है, देखो लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर्स आए हैं, लेटरल ब्रांचेस पे, ठीक है, इसे इसको साइमोज इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। देखो जब ये देखो एंड जो हमारी फीमेल है और ये मेल, सब किस पे हैं, एक ही मार्जिन पे हैं, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, पेरीगाइनस या हाफ इन्फीरियर भी कहते हैं, ठीक है। एक सा एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज, ठीक है, हाइपोगाइनस
फ्लावर, जब हमारी गाइनोशियम हाई पोजीशन पे हो, जब ठीक है, तो उसे क्या कहें, हाइपोगाइनस कहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे हो। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है, ये सब होंगे। अब पेरीगाइनस या हाफ इन्फीरियर का प्लम पीच एंड प्लम पीच एंड रोज। एपीगाइनस जब हमारा फीमेल पार्ट या गाइनेशियम कंप्लीटली कंप्लीटली फ्यूज्ड हो जाए थैलामस से, या एकदम इन्फीरियर हो, नीचे हो, तो उसे एपीगाइनस फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जांपल है कुकुम्बर, ग्वावा, रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इन केस ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर ऑफ ओवरी ईच, ए पेरीगाइनस फ्लावर में जो जो ओवरी होती है हाफ इन्फीरियर पे होती है, यहाँ पे सब एक मार्जिन पे होते हैं, एंडोशियम गाइनोशियम सब एक ही साथ होते हैं रिम पे। वेन द सेपल आर यूनाइटेड देन कंडीशन इज नोन एज, सेपल्स किसे कहते हैं, कैलिक्स को, पेटल्स कोरोला को कहते हैं। जब ये यूनाइटेड होंगे तो उसे गैमोसेपल्स कहते हैं, अगर वो फ्री है तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेपल्स, ठीक है। वेन द पेटल आर फ्री देन इस उस पेटल्स अगर फ्री हैं तो उसे पॉलीपेटल्स कहते हैं, अगर फ्यूज होंगे तो उसे पॉली से प्लस कहेंगे। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लावर बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉलीज, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स को क्या कहेंगे, एस्टिवेशंस कहते हैं। एस्टिवेशन चार फोर टाइप्स के होते हैं, एक वॉल्वेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा एम्ब्रिकेट, चौथा स्टैंडर्ड या वैक्सली, ठीक है। ए मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस एस्टिवेशन को एम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस कहते हैं। मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बट किसी एक पर्टिकुलर उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉट डायरेक्शन, तो उसे एम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस कहते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसे क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक सा एग्जाम्पल क्या क्या होगा, केसिया एंड गुलमोहर ध्यान में रखना, ठीक है। और नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, देखो सबके एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ। ये देखो एक दूसरे को मार्जिन ने सिर्फ टच किए हुए हैं, ये ट्विस्टेड हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप किए हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन ही नहीं, देख रहे, यहाँ पे एक ओवरलैप कर गया है, दूसरे को पता नहीं है, अंदर है दूसरा एक बाहर है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता, इम्ब्रिकेट है। और ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसे स्टैंडर्ड, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसका इस एग्जांपल है पी एंड बीन, इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केसिया एंड गुलमोहर, एंड ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इसका क्या एग्जाम्पल है, कैलोट्रॉपिस, मैंने सारा बता दिया है, अभी आप ये वाला देख लीजिए, 65 का, 65 का आप खुद देख लीजिए। ईच एंथर इज यूजली, एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है एंड टेट्रागोनल होता है, ठीक है, इसके पास दो चेम्बर्स होते हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन शेक में, पोलन ग्रेन तो पोलन शेक में होगा ना, ओबियस होनी ना। स्टेराइल स्टामेंस को स्टेमिनॉइड्स कहते हैं। व्हेन स्टामेन अटैच टू द पेटल उसे क्या बोलते हैं, एपिपेटलस, और जब स्टामेंस पेरियांथ को अटैच होगा तो उसे क्या बोलते हैं, एपिफिलस, ठीक है, एपिपेटलस। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल, एपिफिलस मैंने बता दिया, इसका एग्जाम्पल है ली। मोनो एडल्फस, देखो जब स्टामेन यूनाइटेड होगा एक बंडल में, दो बंडल में या तीन बंडल में, जब
यूनाइटेड होंगे तो उसको एडेल्फस कहते हैं। तो मोनो एडेल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, डाई एडेल्फस का एग्जाम्पल है पी, पॉली एडेल्फस का एग्जाम्पल है साइट्रस। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर इच, साल्विनिया एंड मस्टर्ड ऐसे होते हैं जिसके लेंथ में, लेंथ ऑफ फिलामेंट में वेरिएशंस होते हैं। इन रोज एंड लोटस कंडीशंस कार्पेल इच, देखो इसमें जो कार्पेल्स होते हैं ना वो क्या बोले हैं, एपोकार्पस, एपोकार्पस फ्री हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल है मिकेलिया, और सिंक कार्पस कंडीशन किस में पाया जाता है, मस्टर्ड टोमेटो एंड पेपरवर्म जो हमारे 12th की बुक में है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड्स में, ऑब्वियसली सी बात है। और ओवरी कहाँ किस में, फ्रूट में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। द रीअरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी नोन एज, ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है उसे ही क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशंस कहते हैं। राइपेंड ओवरी, आगे रुको जाओ, राइपेंड ओवरी और मैच्योर ओवरी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, अभी तो बताया ना। इफ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक, जिसका एग्जाम्पल है बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एग्जाइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल होता है लेमन, ठीक है, लेमन हुआ, चाइना रोज हुआ, टोमेटो हुआ, ठीक है। इसमें मल्टीलोकुलर ओवरी पाई जाती है, जबकि ये प्रिमरोज दिया है एक सा एग्जाम्पल। प्रिमरोज किसका एग्जाम्पल होता है, ये सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का, सेंट्रल का होता है, ठीक है। इसके लिए यही रॉन्ग है। पराइटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन्स होता है, सही है। इसमें एक फाल सेंटम सेप्टम बना लेता है, फ्री सेंटर में डाइंथस और एक प्राइम रोज रहता है, ठीक है। बेसल में सनफ्लावर और मारीगोल्ड्स होते हैं, क्यों क्यों, और ये यूनिलोक्युलर्स होते हैं। तो रॉन्ग कौन सा है, फर्स्ट। ओवरी इज वन चेम्बर्ड बिकम टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, जिसे क्या कहते हैं, पराइटल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन्स, ठीक है। जनरली फ्रूट के पास क्या होता है, पेरिकास्ट एंड सीड्स होते हैं। पेरिकार्प फिर किस में, और एपिकार्प में, मेसोकार्प में और इंडोकार्प में होता है, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, ये ड्रूप ही होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में खाली यही दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ ड्रूप फूड आर डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है, मोनोकार्पोरी सुपीरियर ओवरी से होते हैं, ठीक है। दोनों भी मोनोकार्पोरी ही सुपीरियर हो रही है, मैंगो और कोकोनट। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो का क्या होता है, मीजोकार्प होता है, जबकि कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है, इंडोकार्प होता है, ठीक है। अब मीजोकार्प जो कोकोनट का होता है सिर्फ वो फाइबरस होता है। सीड इज जनरली किससे बना होता है, सीड कोट से एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस से। इसके पास, सीड कोट के पास दो लेयर्स होते हैं, आउटर टेस्टा इंटर इनर टेगमेंट कहते हैं। ये किस्सा है डाई, ये कॉटलीडिन, डाई कॉटलीडिन सीड है, ठीक है। इसमें देखो ऊपर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लीम्यूल्स, नीचे वाले को रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल से रूट बनता है, इसे शूट बनेगा। ऑर्किड सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। देखो ये मोनोकॉटलीडिन है लेकिन फिर भी ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि इसके जितने भी एंडोस्पर्म हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना। इफ द सीड ऑफ सेरिल सीड कोट एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज्ड, हाँ सेरिल्स मोनोकॉट्स होते हैं, उसमें सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज्ड होते हैं। इन मेज आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रायो बाय प्रोटीनियस लेयर, जिसे कहते हैं एलिलॉन्स लेयर्स, जो 3N होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस।
इंडोस्पर्म का जो आउटर कवरिंग होती है वो एम्ब्रायो, उसे क्या कहते हैं? एल्ड्रॉन लेयर कहते हैं। इन मोनोकॉट वन लार्ज शीट शेप्ड कॉटिलिडन को क्या कहते हैं? स्कुटेलम कहते हैं। प्लीमूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन सी थ्री चार। प्लीमूल को जो जो कवर करता है उसको कोलेप्टाइल, एंड रेडिकल को जो करता है कोलियोराइजा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये देखो, ये है तो मोनोकोटिलीडन सीट का, बट ये देखो ये किसका? इम्ब्रायो है, और ये क्या है? इंडोस्पर्म है। ये इंडोस्पर्म है जो 3N होता है। ठीक है, इसको कोलियोप्टाइल्स बोलते हैं। क्या है इसके? एक सब बाबा, इसको स्कुटेलम बोला है, बी को एलिरॉन्स लेयर बोला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फ्लावर फार्मूला ऑफ मस्टर्ड इज, मस्टर्ड कौन सी फैमिली में आता है पहले बस ये मुझे बताओ। ये तो फिलहाल जो हमारी एनसीईआरटी में है वो फ्लोरल फार्मूला किसका है? ये ब्रैसिकेसी के फैमिली का है। तो मस्टर्ड किस में आएगा? ब्रैसिकेसी में फैमिली का है। पेपलिनेसी इज अ फैमिली, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, या इसे क्या कहते हैं? और फेवेसी कहते हैं। ठीक है, फेवेसी फैमिली का, जबकि उसकी सब फैमिली क्या बोलते हैं? पेपलिनेसी। विच स्ट्रक्चर ऑफ पेटल इंक्लोज द स्टामेंस एंड पिस्टिल्स? पेटल्स देखो, एवेक्सिलरी एस्टिवेशन में हमने पढ़ा था, जो किसमें सबसे इंटीरियर जो होता है उसे क्या कहते हैं? किल्स कहते हैं। एंटीरियर पेटल्स को किल्स कहते हैं, और लेटरल को विंग्स कहते हैं, और सबसे हाईएस्ट फूड जो लार्जेस्ट होता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये इसका समझ नहीं रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं। फ्लोरल फार्मूला पीज, पी फैबेसी फैमिली से है, तो उसका क्या होगा? ये कैलिक्स 6 5 होगा जो फ्यूज्ड होगा। क्रोला जो होता है देखो, 1 2+2+ सीविस में 2 फ्यूज है। 9+ एंड डाइडल्फस G1 सिंगुलर। ठीक है, सुपीरियर सिंगल ओवरी होती है। इन फैबेसी फैमिली गाइनोसियम इज मोनोकार्परी, मोनोकार्परी है। यूनिलकुलर विथ मैनी ओव्यूल्स, सिंगल स्टाइल्स एंड सुपीरियर ओवरी। इस ट्रू, इस ये मोनोकापलरी होते हैं, सुपीरियर्स होती हैं इसकी ओवरी। हाउ मैनी ऑफ द प्लांट गिवन आर कम अंडर द फैवेसी फैमिली? फैवेसी फैमिली के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? देखो, ये मोंग्स हुआ, सोयाबीन, इंडिगो फेरा, सनहेम्स, सस्बेनिया, ये दोनों तो एडाई है, ये दोनों फॉर्डर है। ल्यूपिनस एंड मूलेठी, ये मेडिसिन के लिए है। ठीक है, ये सब है, ऑल ऑफ दिस। सोलेनेसी फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली भी, हाँ, क्योंकि उसमें क्या एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल्स होते हैं। ठीक है, और इसके और कौन 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 से एग्जांपल्स होते हैं? सब ध्यान में रखो सबके एग्जांपल्स। इसका फ्लोर इन इन द मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली सीड इज, सोलेनेसी फैमिली में देखो सीड जो होते हैं ना वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि नॉन इंडोस्पर्मिक सिर्फ किसमें पाए जाएंगे? फैवेसी फैमिली का ही रहता है। बाकी सोलनेसी और लिलिएसी के जो फैमिली होती है ना वो इंडोस्पर्मिक होती है। फ्लोरल फार्मूला पेटूनिया, पेटूनिया किसका एग्जाम्पल्स है? ये ऑर्नामेंटल्स होते हैं सोलनेसी फैमिली का। तो इसका फ्लोरल डायग्राम देखो, एक टिनोमार्फिक होता है, बैक सेक्सुअल होता है, 5 कैलिक्स होते हैं, और जो एंड कैलिक कोरोला एंड एंड्रोशियम जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं, एपिपेटलस कहते हैं। ठीक है, जब कोरोला एंड्रोशियम एक दूसरे से फ्यूज होते हैं उसे एपिपेटलस कहते हैं।
और पेरियान किसे कहते हैं जब सेपल और पेटल्स फ्यूज्ड हों। परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली में। इस देखो इसमें कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको एक्स स्टिप्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है उसे क्या कहते हैं एक्स स्टिप्यूल्स उसमें रहते हैं प्रेजेंट सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। हाउ मेनी ऑफ द फ्लो प्लांट गिवन बिलो आर कम अंडर द सोलेनेसी फैमिली। देखो टोबैटो जो होता है टोबैको जो होता है वो फूमीगेटरी होता है। ठीक है टोमेटो क्या होता है ये फूड की तरह होता है। चिल्ली स्पाइस की होता है। बेलेडोना एंड अश्वगंधा मेडिसिन्स होते हैं। पेटूनिया ऑर्नामेंटल्स होते हैं। मकोई भी है। ठीक है ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल तो नहीं है बट याद रखो ऑल ऑल ऑफ दिस। फैमिली लिलियसी इज कॉमनली कॉल्ड लिलिये से तो लिली ही कहेंगे। एपिपेटलस कंडीशन किसमें पाया जाता है। एपिपेटलस कंडीशन पाया जाता है इसमें लिलियेसी में। ठीक है इफ एपिपेटलस किसे कहते हैं पता है ना जब ये रॉन्ग है एपिपेटलस कंडीशन है एपिफिलस कंडीशन पाई जाती है क्योंकि ये फ्लोरल डायग्राम में हमें दिख रहा है एनसीईआरटी की बुक में जो पेरियंथ एंडोशियम है वो फ्यूज कर रहे हैं तो एपिफिलस कंडीशन पाई जाती है लिलियेसी में। इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली लिलियेसी गाइनोशियम इज ट्राइकल्परी होता है। सही है ट्राइकल्परी सुरसिंग कार्पस। ठीक है सुपीरियर सॉरी ट्रूट ट्रू सही है। फ्लोरल फार्मूला ऑफ ओनियन इज ओनियन। देखो ओनियन भी इसी में पाया जाता है लिलियेसी फैमिली का एग्जाम्पल्स है। तो ये ब्रैक्टेट होता है इसमें ब्रैक्टेट प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल्स होते हैं। देखो पेरियंथ एंडोशियम फ्यूज्ड हैं जिसे एपिफिलस कहते हैं और थ्री गाइनोशियम है सुपीरियर। हाउ मेनी ऑफ द गिवन बिलो आर कम अंडर द फैमिली लिलियेसी। आलू एस का मेडिसिनल है। एस्पैरगस जो होता है इसका वेजिटेबल्स होता है। कॉल्सिन कम कॉल्सिन्स होते हैं। टुलिपन ग्लोरियोसा जो होता है उसका ऑर्नामेंटल्स होते हैं। ऑल राइट सबका एग्जाम्पल याद रखो क्योंकि एग्जाम्पल्स में सिर्फ पेपर में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछने वाले हैं तो ध्यान में रखो सब। नेक्स्ट इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन पोस्टीरियर पेटल्स को क्या कहते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसको स्टैंडर्ड वैक्सिल या वैक्सिलम भी कहते हैं। ठीक है और लेटरल्स को क्या बोलते हैं विंग्स। और एकदम एंटीरियर जो होगा उसको किल्स बोलते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बल्ब कॉर्न एंड राइजोमार्कर अंडर द फैमिली लिलियेसी फैमिली का एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है जो स्टेम का मॉडिफिकेशंस होंगे एक एक का एग्जाम्पल्स है। देखो 1 2 3 4 5 पांच गाइनोसियम्स हुए कैलिक्स हुए जो फ्यूज्ड है। ठीक है ये है सोलनेसी फैमिली का एग्जाम्पल्स। फाइव पेटल्स हैं जो अटैच्ड है किससे। देखो फाइव पेटल्स हैं जो किससे अटैच है एंड्रोसियम से तो उसे कहते हैं एपिपेटलस कंडीशन सोलनेसी फैमिली में पाया जाता है। इसके लिए मैच द फॉलोइंग फेवेसी फैमिली फेवेसी डाइल्टेल्फस पाए जाते हैं। नाइन फ्यूज होते हैं और एक फ्री होता है। सोलनेसी फैमिली एपिपेटलस होते हैं लिलियेसी सोलेन प्लसेंटा होता है। ठीक है हमारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होंगे।